मैं मधु चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आज हम एंटोमोलॉजी में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार का मटेरियल कलेक्ट किया जाए और किस प्रकार प्रैक्टिकल फाइल तैयार की जाए हम जब मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो उसमें होने चाहिए डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स एंटीनाज लेग्स डेसेक्शन में हम करते हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम विंग्स का कलेक्शन और विंग वैनेशन उसके अलावा स्टिंग ऑपरेटस ऑफ हनी बीस इतने मटेरियल हम शामिल करते हैं परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन में देन फर्स्ट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स और मॉडिफिकेशंस ऑफ माउथ पार्ट्स तो इंसेक्ट्स में छह प्रकार के माउथ पार्ट्स मेनली पाए जाते हैं चेविंग बाइटिंग टाइप पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप चेविंग एंड लैपिंग टाइप रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप साइफोनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप चेविंग एंड बाइटिंग टाइप ये प्रमेटिव टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और मेनली एप्टेरिगोट प्लेओप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा और कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर अगर इंसेक्ट माउथ पार्ट्स का देखें तो इसमें हमें बहुत ही सरलता से हम इसे समझ सकते हैं जब हम चैविंग और बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स देखते हैं इंसेक्स के माउथ पार्ट में मेनली एक लैब्रम होता है इसको हम अपर लिप कह सकते हैं मैंडिबल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं काइटिनस होते हैं और टूथ स्ट्रक्चर होता है जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये टूथ स्ट्रक्चर है इसमें और ये कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये अपने दांतों के समान होते हैं थर्ड इनमें में होती हैं मैग्ज़ीलिया मैंडिबल्स uh, के अलावा मेगज़ीला सेकेंड पावरफुल पार्ट होते हैं और इसके जो लेसिनिया और गैलिया होते हैं ये हेल्प करते हैं कटिंग में और ग्राइंडिंग में यहाँ ये लेबियम है जिसको लोअर लिप हम कह सकते हैं और हाइपोफेरिंग्स होता है जो जीवा के समान स्ट्रक्चर होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट माउथ पार्ट का ये कटिंग एंड चैविंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं जो हमें लेबल्ड डायग्राम हम इस प्रकार बना सकते हैं और यहाँ हम ज़्यादा स्पष्ट इनको देख सकते हैं ये लैब्रम है जो क्लाइपिस से जुड़ा होता है ये मैंडिबल्स हैं इसमें हम यहाँ देख रहे हैं ये मोलर एरिया है ये डेंटिकल्स हैं ये हाइपो है जिसमें ये सुपर लिंगुआ है और स्लाइवरी डक्ट हम स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर ये मैग्जीली हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट कार्डो फिर स्ट्राइप्स ये मैगजीलरी पल्प यहाँ मैग्जीला में मैग्जिलरी पल्प होते हैं और लेबियम में लेबियल पल्प होते हैं ये लेसिया लेसिनिया और गैलिया हैं वो पार्ट जो कटिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं लेबियम में सबमेंटम मैंटम प्रीमेंटम और पैराग्लोसा और ग्लोसा होते हैं देन सेकेंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप पीयर्सिंग और शकिंग टाइप माउथ पार्ट्स में एक नेडल लाइक स्टाइलेट आवश्यक होता है जिससे स्किन में या प्लांट के टिश्यू में एनिमल हैं तो स्किन में प्लांट्स हैं तो उसके टिश्यू में पेनिट्रेशन किया जा सके और उसके बीच में एक ट्यूब एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी होता है जिससे शकिंग की जा सके प्लांट्स की या फिर एनिमल हैं तो उनके ब्लड की प्लांट्स में ये पाए जाते हैं सिकाडास और एफिज्स में और एनिमल्स में स्पेशली मॉस्किटोज में पाए जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए पियर्सिंग और शकिंग टाइप माउथ पार्ट्स का तो जब हम एफिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फोर स्टाइलेट्स होते हैं और जब हम बात करते हैं मॉस्किटोज़ की तो वहाँ सिक्स स्टाइलेट्स होते हैं एफिड्स में मैंडिबल्स और maxilla, दो दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं आउटर स्टाइल मैंडिबल से फॉर्म होते हैं और इनर स्टाइल एट्स से फॉर्म होते हैं जो इनर स्टाइल एट्स से फॉर्म होते हैं वो डबल ग्रूव्ड होते हैं इनर साइड में उसमें से एक ग्रूव स्लाइवा के लिए होता है जो प्लांट टिश्यू में इंजेक्ट किया जाए जिससे वहाँ का जो कंटेंट है उसको लिक्विफाई करके और इजीली जो दूसरा ग्रूव है उससे प्लांट जूसेस को सक किया जा सके लेबियम जो लोअर लिप के समान रहता है वो एक प्रोटेक्टिव शीथ बनाता है उनके चारों तरफ यहाँ हम मॉस्किटोज़ के माउथ पार्ट देख रहे हैं जिसमें सिक्स स्टाइलेट्स होते हैं इसमें से दो मैंडिबल से मॉडिफाई होते हैं दो मैगज़िले से मॉडिफाई होते हैं और वन से uh, हाइपोफेरिंग से और वन लेब्रम से छ होते हैं लेबियम इनको आउटर शीथ या कवर बनाता है जैसा हम यहां पर देख रहे हैं ये लेवियम है ये हाइपोफायरिंग से बना स्टाइलेट है ये मैंडिबुलर स्टाइलेट है ये मैग्जीलरी स्टाइलेट है तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मॉस्किटोज़ में जो पेनिट्रेशन और शकिंग के लिए मॉडिफाई होते हैं ये डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज में जो थोड़े थोड़े वेरिएशंस पाए जाते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं ये एनोफ्लिज मेल एनोफ्लिज फीमेल क्यूलेक्स मेल क्यूलेक्स फीमेल मेल में एनाफ्लिस मेल में हम देख रहे हैं लेबेलिया से बना हुआ शकिंग के लिए पार्ट और हम इसको कहते हैं प्रोबोसिस जो लेबियन से बना है उसके अलावा एलोंगेटेड मैग्जिलरी पार्प पल्प हमें नज़र आ रहे हैं फीमेल में हम देखते हैं ये दोनों पार्ट हमें नज़र आते हैं लेकिन जो बेसिक अंतर हमें नजर आ रहा है वो इनके एंटीना में नजर आ रहा है प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना पाए जाते हैं मॉस्किटोज में मेल में वो एनोफ्लिज हो या क्यूलेक्स हो एंटीना में हेयरी स्ट्रक्चर ज्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली। ये बग के पियर्सिंग और शकिंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं जिसमें ये लेबियम से मॉडिफाइड प्रोबोसिस है मॉस्किटो के समानी ही और ये एफिड्स के समान चार स्टाइलेट हम यहाँ देख रहे हैं मैंडिबल्स और मैग्जिली से जो मॉडिफाइड हुए हैं तो आउटर बिल्कुल वैसे ही आउटर यहाँ पर मैंडिबल से बने हुए स्टाइलेट हैं दो और इनर मैग्जीला से मॉडिफाइड स्टाइलेट्स हैं देन चेविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ये पाए जाते हैं हनी बीज में ये मॉडिफाइड होते हैं नेक्टर और पोलेंस के कलेक्शन के लिए और वैक्स की मोल्डिंग के लिए यहाँ पर जो मैंडिबल्स हैं लेब्रम और मैंडिबल्स दोनों मॉडिफाइड होते हैं वैक्स मोल्डिंग के लिए और चैविंग टाइप होते हैं मैग्जिली और लैबियम दोनों इलोंगेट होकर एक लैपिंग टंग फॉर्म करते हैं नेक्टर के लिए और गैलिया ग्लोसा और लेबियल पल्प ये फूड चैनल फॉर्म करते हैं ये ग्लोसा और लेबियम ये यहाँ पर फूड चैनल फॉर्म कर रहे हैं ये लेबियल पल्प हैं ये यहाँ पर मैंडिबल्स हैं जो वैक्स मोल्डिंग के लिए मॉडिफाई हुए हैं मैग्जिली पार्ट गैलिया और लैबियल पल्प ये दोनों नेक्टर कलेक्शन के लिए हैं रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ये पियर्सिंग और शकिंग टाइप माउथ पार्ट्स और चेविंग और लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स के मध्यस्थ स्थिति या मध्यस्थ संरचना वाले माउथ पार्ट्स होते हैं और ये थ्रिप्स में पाए जाते हैं ये एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनमें राइट मैंडिबल एबसेंट होता है जबकि जो लेफ्ट मैंडिबल है वो एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्टाइलेट फॉर्म करता है मैंडिबल के अलावा मैग्जिली दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं और हाइपोफेरिंग्स एक शॉर्ट मीडियम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये माउथ पार्ट्स कौन शेप के होते हैं आ, कौन शेप हेड से ये माउथ पार्ट्स अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो लैपिडोपटेरा में पाए जाते हैं यहाँ इनका काम होता है फूलों से नेक्टर को शक करना तो यहाँ लेब्रम रिड्यूस्ड होते हैं मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं मैग्जिलरी पल्पाई रिडिमेंटरी कंडीशन में होते हैं और मिग्जीला के जो गैलियाँ हैं वो इलोंगेटेड फॉर्म में जॉइन होकर एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब फॉर्म करते हैं जो हमें यहाँ साइफ़न के रूप में नज़र आता है और हम इसे प्रोबोसिस बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं इसमें लेब्रम हाइपोफेरिंग्स और लेबियम के साथ मिलकर एक प्रोबोसिस फॉर्म करता है मैंडिबल यहाँ एब्सेंट हैं मैग्जिली के मैग्जिलरी पल्पाई पाए जाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मैगजिलरी पल्प हैं और लेब्रम का पार्ट हाइपोफेरिंग्स का पार्ट और लेबियम का पार्ट कंबाइंडली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं रोस्ट्रम इसका एक्सटेंशन जिसे हम हॉस्टेलम बोलते हैं इसके टर्मिनल एंड पर यहाँ एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको लेबलम कहा जाता है ये लेबेलम और इसके द्वारा जो लिक्विफाई मटेरियल होता है फूड कंटेंट उसको शक किया जाता है यहां हम देख रहे हैं ये पार्ट ये लेबल्ड डायग्राम इसका तो इस तरह हमने देखे डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स जो इंसेक्ट में पाए जाते हैं और स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हम कलेक्ट करके उसके माउथ पार्ट्स बना सकते हैं जैसे स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स के लिए हम हाउस फ्लाई को लेंगे साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के लिए हम बटरफ्लाई को लेंगे चैविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के लिए हम ग्रास होपर्स को कॉकरोचेस को ले सकते हैं ऑफ़ टेरा में और जो रेस्पिंग और शकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं उनके लिए हम थ्रिप्स को ले सकते हैं लैपिंग टाइप ऑफ़ माउथ पार्ट्स के लिए हम हनी बी को कलेक्ट करेंगे पियर्सिंग और शकिंग टाइप माउथ पार्ट्स के लिए हम मॉस्किटोज और एफिड्स को कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह हम अपने स्लाइड फॉर्म कर सकते हैं थैंक यू